हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के बाद शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्ची की एक बेहतरीन रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये रेसिपी बहुत कम टाइम पे तैयार हो जाती है। इसको आप बहुत ज़्यादा आसानी से अपने घर में बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के जो डंठल होते हैं, मैंने उनको अच्छे से निकाल लिया है। हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से धो के एक घंटा धूप में सुखा लिया है। अगर आपके वहाँ धूप की प्रॉब्लम है तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हो। हल्का सा एक बर्तन में तेल डाल के हरी मिर्ची को फ्राई कर सकते हो। तो ये लिया है मैंने अदरक, लहसुन। लहसुन को भी मैंने अच्छे से एक घंटा मिर्ची के साथ में धूप में सुखा लिया है। अगर आप इनको धूप में नहीं सुखाना चाहते हो तो एक बर्तन में तेल डाल के हरी मिर्ची और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। जो मसाला इसमें पड़ता है, इसी मसाले से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो मैंने इसमें लिया है एक चम्मच सरसों मसाला बनाने के लिए, एक चम्मच राई, एक छोटी चम्मच जीरा। इनको थोड़ा सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं जलाना है। प्लीज़ फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये रेसिपी आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है रेसिपी खाने में। आपके घर में सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो देखो, हमारे मसाले यहाँ पर बनके रेडी हैं। हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाना है। इसको दरदरा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना है। तो मसाला बन के यहाँ पर रेडी है। देखो, इसको बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा सा पीसा है। अब मैं एक मिक्सर जार में मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची को। आप हरी मिर्ची अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से ले सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन को भी। इसको भी दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना है। देखो, मैंने इसको दरदरा सा पीसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको निकाल लूँगी अब एक बर्तन में, और इसको कभी भी अपने घर में बना सकते हो। बहुत कम टाइम पे ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है, बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखो, ये कितना दरदरा सा मैंने पीसा है, इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। एक चम्मच आमचूर पाउडर, जो मसाला हमने घर में रेडी किया था उसको मैं इसमें डालूंगी। दो छोटी चम्मच सरसों का तेल। ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आप एक महीने तक भी रख सकते हो, किसी भी बर्तन में ये ख़राब नहीं होता है। एक महीने तक रख के आप इसको रोटी, चावल, दाल, परौठा, सब्जी किसी के भी साथ में खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। ये सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी एक बर्तन में, एक महीना दो महीने तक ये चल जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। आप किसी भी बर्तन में इसको रख सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी इसको खा सकते हो। ये रेसिपी आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करें, सबको पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। और जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है खाने में।